बहुत प्यारा सा ये देखिए, हाँ बहुत अच्छा, हाँ एक नंबर, हाँ बहुत अच्छी लग रही है। पर्शियन कैट है, इसके डाइट में हम बॉइल्ड चिकन खिलाते हैं इसको, और बहुत एक्टिव रहता है ये फैमिली के साथ। हेलो गाइस, मिशन शिकार चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आया हूँ प्रिंस ऑफ सी पीपुल्स मॉल में, जहाँ पे 48, 49 और 50 बार चैंपियनशिप कैट्स शो का आयोजन हो रहा है। तो दोस्तों देखते हैं अंदर कैट्स लवर्स कौन कौन से कैट्स लेके कब पार्टिसिपेट में हिस्सा ले रहे हैं। हेलो दोस्तों, ये देखिए पीपुल्स मॉल का प्रिंस ऑफ सी मॉल है। ये देखिए, अब मैं जा रहा हूँ अंदर, इसका मेन गेट है जो फिनाइल क्लब ऑफ इंडिया द्वारा ये आयोजित हो रहा है। दोस्तों ये देखिए, ये हम लोग जा रहे हैं अंदर। ये देखिए यहाँ पे इसका आयोजन हो रहा है। दोस्तों ये देखिए, विभिन्न कैट लवर अपने अपने कैट्स को लेके पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मैं अंदर जा रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए कैट्स लवर्स अलग अलग नस्ल के कैट्स लेके यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए जो कैट्स को देने वाला जो खाना है वो ये भी रखे हैं वो यहाँ पे अलग अलग। ये देखिए दोस्तों, हम देखते हैं अंदर। ये देखिए क्या जबरदस्त कैट है दोस्तों। ये देखिए सर, बताएंगे ये कौन से नस्ल का है? ये ले लीजिए माइक। ये पर्शियन कैट है। अच्छा अच्छा, इसका एज कितना है? कितने साल के? अच्छा अच्छा, आप भी इसको लेके पार्टिसिपेट कर रहे हैं सर? ये देखिए, ये आपका है क्या ये? नहीं, ये देखिए कितना लंबा है कैट है। देखिए दोस्तों, ये भी छोटे, ये भी सब मेरे को लगता है बच्चे हैं सब अलग अलग। एक आपने क्या, किसी का है? कौन सा तुम्हारा, कौन सा है सब तुम्हारा? ये लोग बात करो जरा वाली, तुम्हारा है कौन सा है, कौन सा नस्ल का बिल्ली है ये तुम्हारे? बंगाल। बंगाल, अच्छा अच्छा। ये कितने बड़े बड़े होते हैं ये? मतलब आदमी हाइट हो जाती है। अच्छा, ये छोटे छोटे बच्चे हैं क्या ये सब? हाँ, ये 2 मंथ्स की कैट है। अच्छा, 2 मंथ्स की, ये सारे? हाँ। अच्छा अच्छा, तो क्या तुमने कहाँ से लाए हो? ये इम्पोर्टेड है, एक रशिया से। कौन से रशिया से हो बताओ, आ जाओ। ये वाले रशिया से है। हाँ, और ये तीनों हमारी घर की ब्रीड है। अच्छा, तुम्हारे वहाँ के ब्रीड है। तो ये तुमने रशिया से कितने में परचेज की है? ये पूरी 3.5 लाख की पड़ी है। 3.5? अच्छा, इतनी महंगी है? अच्छा, अभी कितने छोटे से तुम्हें लाया हो ये? अच्छा अच्छा, अभी कितनी बड़ी हो जाएगी ये? बड़ा हुआ तो हाँ। अच्छा, ये भी एडल्ट है। ठीक है, रशियन है ये? ये वो तो ठीक 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 है। फिर अब तुम्हारे पास ऐसे तुम बेचते हो क्या ये? अच्छा, तुम्हारे पास कितने नस्ल है अभी तक? अभी हमारे पास 2 ब्रीड है, बंगाल और पर्शियन। पर्शियन कौन सा, पर्शियन कौन सा है इसमें? ये है पर्शियन। अच्छा, ये भी तुम्हारे हैं? हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, ये कौन सी है? बहुत अच्छा प्यारी है, सफेद वाली। अच्छा अच्छा, ये भी बच्चा है अभी? हाँ। ठीक ठीक ठीक, तो खोल के दिखा नहीं सकते अभी? अच्छा, मना है अभी? हाँ हाँ, एग्रेसिव हो जाते हैं। हाँ, एग्रेसिव हो जाते हैं। हाँ हाँ, ठीक ठीक है। ये आपके कौन सी है मैडम? ये मेरी है। अच्छा, ये आप बाइट दीजिए ना, ये लीजिए। ये कौन से नस्ल का आपका ये? ये पर्शियन कैरिबियन कैट। हाँ हाँ, अच्छा टू कलर है। अच्छा, कितने साल की है? ये मेरी कैट है। उसी माइक से बोलिए। अच्छा, हाँ हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक, अच्छा अच्छा। इसका हाइट तो ज्यादा होंगी मैडम जिसके? हाँ,
अच्छा 11 महीने की है, 11 महीने तो इतनी बड़ी हो गई है। इसका बाप चैंपियन रह चुका। अच्छा 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 बहुत ही। और ये वाला नस्ल मैडम कौन सा बताया आपने? पर्शियन। ये भी है। इसका बाप। अच्छा अच्छा सियामी थ्री एग्जीक्यूटर नंबर 194 एग्जीक्यूटर नंबर 2 एग्जीक्यूटर नंबर 196 सियामी थ्री थ्री नंबर आप यार लोग देखिए मैडम उसे जानकारी दे रहे हैं तो आपके हो गया क्या वो मिल जाएगा आप? अच्छा आपको हाँ अच्छा ठीक है। तो दोस्तों ये देखिए ये आपका है, ये भैया आपका है, ये आपका है। एक मिनट सुनिए पकड़ के रहिए, इसको पकड़िए। तो लाइट नहीं जल रही तो हाँ ये लीजिए आप ऐसे पकड़ के ये 1.5 साल हाँ आपका ये कौन सा नस्ल है भैया? कितने साल का है ये? 1.5 साल की। 1.5 साल की। अच्छा अच्छा यही आपने यही कहा है कि बाहर का है ये? बाहर की पर अभी अपने पास नहीं है। ये बाहर के कितने में परचेस किए थे आपने? कितने परचेस किए थे आपने? 25,000। मादा का नाम मन्नर है, फीमेल है। तो इसको जब बच्चे हो जाते होंगे इसके भी? इसके बच्चे हो। अच्छा ये देखिए एक्जोटिक सोल्डिया और इसको मिला अडर रनर। अच्छा अच्छा हो गया क्या इसका दर्द? जजमेंट हो गया इसका? इस बार की जी। अरे बाबा पिछले साल बेस कैंप ग्रीड थी। हाँ 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 गोरा नाम है इसका। गोरा नाम है गोरा। और ये कौन सा भी है? ये भी आपका है जी? एक्सट्रीम पंच। ये खा दिखाएंगे उसको? देखिए दोस्तों ये देखिए कितना प्यारा सा लग रहा है ये इनकी दोस्तों। किसी टाइगर से ये खाना कौन सा रहता है ये इसमें? ये लीटर है इनका। अच्छा स्पेशल रहता है ये लेटरिंग बाथरूम करने का। ये लीटर है। अच्छा 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 ये मतलब ये पॉइंट वगैरह का पॉइंट वगैरह। हां वो फोल्डिंग करने का। हां हां अच्छा इसे खाना कुछ स्पेशल रहता है जी? इनका अलग फूड आता है। अलग फूड आता है बाकी ये बॉइल चिकन वगैरह देते हैं अपन इन्हें। हाँ जी। तो आम कुछ जो खाना सामान्य बिल्लियां जो खाती है? नहीं वो कुछ नहीं खाएगी। अच्छा अच्छा कुछ भी नहीं खाती। इनको या तो बॉइल चिकन देते हैं अपन या फिर इनके ये ट्रीट वगैरह आती है। अच्छा अच्छा फिर फूड आता है इनका वो सब चीजें दी जाती है। अच्छा अच्छा दिखाई दे रहा है इसको वो टॉयलेट चल रही है। हाँ हाँ सारा जो आदत है वही है बीट के जो कैप्स है यहाँ पे। अरे ये देखिए कितना बड़ा नस्ल है दोस्तों ये। हाँ बस बस सर खोल दिखाइए। बहुत बड़ा इसको देखिए
देखिए कौन सा चीज बताया आपने सर, ये एक्सट्रीम पंच। अच्छा अच्छा, ये बाहर की ये भी जी, ये भी बाहर की। अच्छा, इसका अभी नहीं हुआ है? नहीं, इसका नंबर नहीं लगा, नंबर नहीं लगा हो जाए। ठीक ठीक जी, बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी प्लस में, ये आपका ही है क्या? ये आपका है जी। आपका कौन सा, ये वाला है? तो बताए जरा इसके बारे में। तो तब तक इनके लिए आपका ये है क्या सर? हाँ तो दिखाएं, ये कौन सा, ये लीजिए सर, माइक लीजिए, माइक लीजिए सर। तो कौन सा नस्ल, इसके बारे में बताए जरा। ये पर्शियन ब्रीड है। अच्छा अच्छा, कितने साल का ये है? ये दो साल का है। एक मैडम से ये लेते, मैडम पकड़ जरा, एक मैडम सब फोटो ले लेता हूँ इसका। बहुत अच्छा नस्ल है मैडम ये जी। एक कौन सा ब्रीड है ये? ये पर्शियन ही है। अच्छा अच्छा, तो कितने साल की आपकी? एक साल की। एक साल की है। नेपाल के बाहर से मंगवाया? नहीं नहीं, भोपाल की। भोपाल की। इसके बच्चे भी है साथ? नहीं नहीं, ये एडल्ट मेल है। अच्छा मेल है ये, वन ईयर का है। वन ईयर का है। इसके क्या क्या खाती है ये? ये कैट फूड, जेली, ग्रेवी। आपने देसी खाना नहीं खाते होंगे ये? नहीं नहीं, ये दूध वगैरह तो इनको वैसे भी पर्शियन को नुकसान करता है। अच्छा, ये पार्टिसिपेट किया? पार्टिसिपेट किया। प्राइज जीते के जीता की नहीं? अभी ये अभी फर्स्ट राउंड हुआ है इसका। फर्स्ट राउंड हुआ है, कितना राउंड में होना है ये? अभी अभी उतरेगा, अभी फर्स्ट राउंड में उतरा है, अभी और उतरेगा। अच्छा अच्छा, ये बहुत अच्छा ब्रीड है आपके, ये समझदार लगता है ये। फोटो फोटो देने में डॉटर है? अच्छा, आपकी डॉटर है? बेटा बेटा घुसना। हाँ थोड़ा रुकना, रुकना रुकना रुकना, उधर उधर तो मूविंग करो जी। जी, इनकी जो एज लिमिट होती है 7-2 years हमारे पास रहे हैं जी, जी पहले जो। हाँ हाँ जी हाँ, तो अभी अपने पास 2 years का मेल है जी। जी ऑप्शन है भी, ये भी उसका जी। जी और ये 3 years की फीमेल बेटे हैं जी। जी जी और ये अपना ओड आइस है, ये 8 months ओल्ड ओल्ड आइस है, आप देख सकते हैं इसकी दो कलर की आइस है। दोस्तों ये 2 eyes की है, उसके बाद बहुत साफ दिख रही है, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ हाँ हाँ, टू कलर बहुत अच्छा लग रहा है। जी हाँ, ये ओल्ड आइज है और ये 8 months ओल्ड है, लॉन्ग है, पर्शियन के। हाँ हाँ, पर्शियन के। ये मात्र 8 महीने का है ये दोस्तों, जी 8 महीने का मेल मेल है, ये मेल है 8 महीने का मेल है, वो मेल है और ये रॉयल कैनियन खाते हैं ये। अच्छा अच्छा जी हाँ, इससे जो फूट उठ के बाद फूट जो है ये रॉयल कैनियन हम इनको खिलाते हैं जी। जी 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 हाँ, 214 and 150 एक्चुअली वो यहाँ पर आके थोड़ा सा क्राउड में थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाते हैं जी। जी जी, क्या है घर में क्या खुले रहते हैं, बाहर आते जाते हाँ, नहीं हाँ। है तो कितने आपको? 3 नस्ल है आपको? 3 ही है? नो नो, एक्चुअली हमारे पास बहुत सारे हैं। अच्छा, अभी अप्रोक्स मेरे पास 20 cats है। 20 cats है जी, किटन प्लस किटन्स। अच्छा अच्छा जी हाँ, ग्रे कलर में, गोल्डन कलर में, फॉर्म कलर में। अच्छा, ये हमारे खुद के घर के ही है, तो हमने बाहर से नहीं लिए इनको, ये हमारे घर में ही होते हैं जी। हाँ, बहुत खुश है। ठीक बोले, थैंक यू। और इनका नाम है बोला। इसका नाम बोला है? अच्छा, और उसका नाम क्या रखा आपने? अच्छा, 20 cats आपके पास इसी नस्ल के हैं, कोई अगर बेचना चाहेंगे तो आप दे देंगे? हाँ, तो आपका नंबर मुझे एक कागज में लिख दीजिएगा, तो हम उस पर इस बाइक के साथ में आपका नंबर हम दे देंगे, है ना? ठीक है, मैडम का कहना है कि कोई अगर परचेज करना चाहे तो मैडम दे देंगे, आप नंबर बोल। 769-2974-749। ठीक है, मैं इसमें दे दूंगा।
यहाँ पे देखिए क्या कितने सारे मतलब 200 से ज्यादा पार्टिसिपेट इसमें हिस्सा ले रहे हैं। देखिए जजमेंट उसके एक एक कैश को जज कर रहे हैं। मैडम ये बाइक पकड़िए। मैडम बताया जा रहा है इस कैप्स के बारे में आपके मैडम तो वहाँ कोई बताए कौन सा नस्ल का है, कौन सा ब्रीड का है और कितने यार्ड्स के है पूरा बता दीजिए। हाँ ये एग्जॉटिक शॉर्ट हेयर है और ये डेवलप वर्जन होता है पर्शियन कैट का। तो जो शॉर्ट हेयर्स है ये डिस्टिंग्विश करते हैं पर्शियन कैट से, ठीक है। और इनका जो टेम्परेचर होता है और जो कंसम्पशन होता है ये काफी अच्छा होता है। जैसे पर्शियन कैट्स होती है ना जल्दी घुल मिल जाती है, प्लेफुल होती है, सेम इनका भी होता है। और 12 टू 14 ईयर इनका लाइफ स्पैन होता है, ठीक है। और इनका जो फेस है, इनका फेस दिखा दूं, इसका हाइट कितनी होती है मैडम अधिकतम? इसका जो फेस और नोज है ये डिस्टिंग्विश करता है इसको दूसरी कैट से। अच्छा, ठीक है। जो शॉर्ट फर है इसका, इसलिए इसको एग्जॉटिक शॉर्ट फर कहते हैं। इसका फर जो होता है काफी शॉर्ट होता है। अच्छा अच्छा, ठीक है। बिल्कुल वेलवेटी वेलवेटी स्मूथ। अच्छा, इसके नाक भी देखिए, नोज देखिए, इसका नोज, इसका फेस शेप, ये जो होता है ये इसको डिस्टिंग्विश करता है। अच्छा अच्छा, पर्शियन कैट जी। और इसके फूड वगैरह के बारे में बताइए मैडम इसका। हाँ, ये फूड अपना म्यू विस्कस और रॉयल कैनन ये सब लेती है, इसको ग्रेवी देते हैं। हाँ, इससे ऐसे इनका फूड होता है। अच्छा अच्छा, आपके पास कितने होंगे इसे? ये हमारे पास तो ये कितने चार है। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो आप लोग इसके जो सेल भी करते हैं मैडम जी, क्या आपने घर में पालतू के लिए रखे हैं आपने? हमने घर में पालने के लिए भी रखे हैं और कुछ सेलिंग के लिए भी। अच्छा अच्छा, कितने तक मिलते हैं आपको ये? आप लोग डिपेंड करता है इनकी एज पे, इनकी मेल या फीमेल। जैसे उसका जो चाइल्ड है, अगर आप इसका एस्टिमेट लो तो ये 50,000 के ऊपर ही सेल होते हैं मोस्टली। जैसा हम लोग मतलब जिस तरीके से इन लोग घर में रखते हैं, जो उनका टेम्परमेंटेशन ये सब बढ़ाते हैं, तो उससे इसका जो रेट है मतलब जितनी अच्छी क्वालिटी होगी रेट उतना हैवी होगा। नॉर्मल टेम्परेचर में ये रहती है कि अलग से? नहीं नहीं, इनके लिए बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर होना चाहिए, क्योंकि कैट्स थोड़ी सी नॉर्मल टेम्परेचर में सही रहते हैं, क्योंकि उनका फर छोटा होता है ना, तो इसकी वजह से इनको नॉर्मल टेम्परेचर में रखना पड़ता है। उसमें मान लो गर्मी में तो दिक्कत होगी, गर्मी में एसी रूम में रखना पड़ता है इसको? हाँ, नॉर्मल टेम्परेचर करके एसी रूम में रखना पड़ता है। अच्छा अच्छा, क्योंकि आप बोल रहे हैं कि नॉर्मल टेम्परेचर में दिक्कत होती है इनको। हाँ, क्योंकि कैट्स बहुत जल्दी डिहाइड्रेट होती है। अच्छा अच्छा, इनको पानी पानी से खेलना, पानी के साथ इनको टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है। अच्छा लगता है, तो थोड़ा उनको टेम्परेचर भी रखना ही चाहिए होता है। तो आप कितने साल से इसका काम कर रहे हैं? 5 years। घर के लोग भी आपके हेल्प करते होंगे इसका, क्या इसको मोटिवेट करते होंगे? बहुत अच्छा लगा मैडम जी आपका मुझे मिलकर। बहुत ही मैडम जी, ये जो आपकी जो बाइक है हमने जो लिया है तो हाँ ये बोलिए बोले मैंने ये हाँ बता दे ये देखिए क्या जबरदस्त है ये पर्शियन। कौन सा ब्रिड का मैडम जी? ये पर्शियन है। अच्छा, कितने साल की मैडम जी? 2 साल की। देखिए दोस्तों अंदर रख दीजिए, अंदर परेशान हो तो अंदर रख दीजिए। इसका हाइट कितने होने चाहिए? अपना देखो काफी अच्छा लग रहा है। देखिए थोड़ा सा वो एडिट कम हो रहा है। ये देखिए दोस्तों, हाँ हाँ, एक मैडम जी रुकिएगा। हाँ, तो कितने साल के मैडम जी? ये 2 साल की है जी। आपने परचेस किया ये? जी हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, कितने में परचेस किया था आपने? जी कितने में परचेस किया था आपने ये? ये 6,000 में। 6,000 में। अच्छा अच्छा, मेल है का? मेल है। ये खा क्या खाती है? वो क्या खाता हुआ? कैट फूड खाती है, चिकन खाती है, देसी जो सब कुछ खाता है। हाँ, सब खिलाते हैं। लेकिन कुछ लोगों ने बताया कि देसी खाने से उन लोगों को दिक्कत? नहीं, बस चिकन ही खिलाते, नहीं होता कुछ, बॉयल चिकन खिलाते हैं। हाँ हाँ हाँ, अच्छा अच्छा। और ये दोनों आपकी है? नहीं, एक ही और घर पे है, 3 है मेरे पास। अच्छा, 3 आपके पास। बहुत अच्छा लगा मैडम जी, बहुत थैंक यू मैडम। ये आपका कौन सा नस्ल है? बोलो बोलो।
कौन सा बेटा ये? क्लासिक लॉन्ग हेयर। अच्छा जी, ये अलग टाइप की नस्ल है बिल्कुल है। इसकी एज कितनी है? वन ईयर। वन ईयर। ये आपने लोकल का बाहर का है, विदेशी है ये? बाहर का, अमेरिका। बताओ बेटा इसके बारे में कुछ, क्या करना, क्या खाती है, क्या है सब बताओ। मैं सिर्फ स्किटिन का कैट फूड खाती है और अंडे खाती है उबले हुए। अच्छा अच्छा, जो हम तो जो कैट्स के जो फूड है वही खाते हैं, क्या देसी खाना खाते खिलाते हो? नहीं, अंडे भी खाती है उबले हुए। अच्छा अच्छा, चिकन भी खाती हो? चिकन भी खाते हैं। लेकिन अभी तो शांत बहुत है, एक वो बिल्कुल शांत बैठा है, कि फीमेल है कि मेल है ये? मेल। मेल है। ठीक है, इसका हो गया एग्जामिनेशन हो गया? अच्छा, ये हो गया इनके एग्जामिनेशन दोस्तों, ये देखिए। अभी कितने राउंड होना है? अभी एक होना है, अभी एक हो गया, एक हो गया है। अच्छा अच्छा, ठीक है बेटा, थैंक यू। ये देखिए दोस्तों सब, अधिकतर बिल्लियां ऐसा शांत रहती है, लेकिन भीड़ और देखते हुए थोड़ा शांत सब है। देखिए ऐसा लगता है कि बहुत नर्वस सब बैठी हुई है, तो नर्वस हो गए तो आपके कैट के बारे में बताएंगे? आप बता चुके क्या? अच्छा, वहां पे आप मिले थे। थैंक यू थैंक यू। हाँ हाँ, आपके कैट बताएंगे कौन से, तो कौन से कैट से आपके ये सेम पर्सन है? बताओ बेटा जरा इसके बारे में बताओ तुम जरा, बताओ पूरा बताओ। सेमी पर्शियन है, ओरिजिनल पंच पेज पे, ओरिजिनल पंच पेज। कितने साल की है? 5 महीने की। 5 महीने की, वाह, इसलिए सब नेक्स्ट है अभी है जी थोड़ा से। हाँ, मैंने अमूमन जो क्या देखा बहुत शांत है, लेकिन अभी बच्ची है ना ये? जी हाँ, ये छोटे हैं अभी। फीमेल है क्या? मेल है। मेल 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 है। हाँ, मेल सेमी पंच में मेल। हाँ हाँ, आपने परचेज किया क्या? आपने परचेज किया था मैंने। कितने में? ये मैंने 6000 में। 6000 में? अच्छा, ये लोकल से जी। अच्छा अच्छा, ये देखिए दोस्तों कितनी प्यारी लग रही है, देखो दोस्तों जी बहुत अच्छी लग रही है। तो बिल्कुल बहुत शांत है आपके, उसको ले लेने थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा जी। तो व्हाइट है ना, ब्लैक और व्हाइट का कॉम्बिनेशन अच्छा आ जाएगा इसमें। ये देखिए दोस्तों बहुत लाजवाब, देखिए बहुत एक नंबर, बहुत अच्छी लग रही है। अभी कितने राउंड हो गए इसके? फर्स्ट राउंड हुआ है। क्या खाते बताइए? ये फूड खाते, जो डॉग फूड वगैरह, चिकन वगैरह। देसी खाना नहीं खाती? नहीं नहीं नहीं। अच्छा, देसी खाने से उनको दिक्कत होती है? जी हाँ जी हाँ, बिल्कुल। अच्छा, वो नहीं है दोस्तों, बहुत प्यारा। ठीक है मैडम, थैंक यू। तो डिस्टर्बेंस तो नहीं हो रहा हूँ भाई आपको? ये देखिए दोस्तों, ठीक है बताइए, माइक पकड़ी जरा। तो कौन सा नस्ल है भैया ये, बताया माइक से बताया? ये क्लासिक लॉन्गर। अच्छा अच्छा, कितने साल का है ये? 14 महीने का। 14 महीने का मेल है। मेल है ये? हाँ, इनका नाम है मैंगो। अच्छा अच्छा, ये क्या क्या खिला रहे हैं आप इसको? इसको ये जेली खिला रहे हैं अपन। जेली का? अच्छा, इसका मेन फूड है ये इसका? हाँ। अच्छा अच्छा, ठीक है बस। ये देखिए दोस्तों, थैंक यू भैया। आपका ही भैया ये? आपका क्या है बताया जरा इसके बारे में? हाँ हाँ।
हाँ बोलिए, ये इसका नाम नाम से बोलिए। ओरियो नाम है हमारे केट का और पर्शियन केट है ये। पर्शियन केट है, इसकी डाइट में हम बॉइल चिकन खिलाते हैं इसको और बहुत एक्टिव रहता है ये फैमिली के साथ। कितने साल की है ये, मेल है फीमेल है पहले ये बताएं? ये मेल है। मेल है जी। कितने साल का है ये? दो साल का है। दो साल का है जी। अच्छा अच्छा, बहुत प्यारा सा है मैडम जी ये। थैंक यू। आवाज लगाने से आ जाता है ये? फ्लाइंग किश भी करता है वो। मैडम थोड़ा पीछे आ जाइए, पूरा आ जाए। हाँ आप बात करिए, मेरे माइक में आ रहा है। ओरियो ओरियो इधर देखो, इधर क्या हो गया? ओरियो ये अपने के बाहर का है क्या? यही नहीं, बाहर से ही मंगवाया। बाहर से मंगवाते हैं कहाँ से? ये वो हमने यहीं से लिया था, लेकिन बाहर से मंगवाया था, यहीं से परचेस किया था इसको। अच्छा अच्छा जी। ये देखिए ओरियो। अच्छा जी, और क्या खाता है ये? बॉइल चिकन खिलाते हैं ज्यादा हम इसको। अच्छा अच्छा जी जी। पेरेंट्स इससे देखिए, मतलब बहुत सारे बच्चे आप फोटो खिंचवा रहे हैं उसका। ये देखिए उसको मिशन शिकार ही करवा दूंगा, ले सब्सक्राइब कर लीजिए। ये देखिए दोस्तों, अभी थोड़ा शांत है, देखिए आ जाओ, तुम भी वीडियो में आ जाओगे। देखिए हाँ, बहुत सारे देखिए बच्चे उसे फोटो शेयर करवा रहे हैं। देखिए बहुत प्यारा सा ही है। इसका नाम ओरियो है, नेशनल चैंपियन रह चुका है पिछले बार। अच्छा अच्छा हाँ, इसके पहले कितने पार्टिसिपेट, कितने में क्या पार्टिसिपेट किया इसने? पहले फर्स्ट टाइम किया था और ये सेकंड टाइम है। सेकंड टाइम है। अच्छा अच्छा जी। तो नेशनल कहाँ पे हुआ था? नूरसभा में। नूरसभा में, भोपाल में। जी भोपाल में। आपने बहुत अच्छे से रखा आपने इसको, बस शांत बता, बहुत अच्छा है। और कुछ बताएंगे इसके बारे में? बहुत एक्टिव रहता है फैमिली के साथ। फैमिली के साथ जी, जी। सबके पास चला जाता है, सबसे अच्छी बात यह है कि सबके पास चला जाता है ये। कितना शांत, मतलब ऐसा लग रहा है कि वो खुद बात कर रहा है। और कोई इसको लेगा ना तो काट कर सबके पास चला जाता है, सुनता भी है ना जी। फोटो देने बहुत अच्छा लग रहा है इसको। अच्छा ठीक है मैडम, थैंक यू। बहुत सारे अलग अलग नस्ल के बस बिल्ली को देखा हमने, कैट्स को, ये अलग टाइप के, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि काली बिल्ली है ना, बता ही ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल अलग टाइप के नस्ल ब्रीड है ये। निकालेंगे इसको, निकाल के दिखा दें आप, यहाँ पे लगा लीजिए आप। हाँ यूट्यूब में। हाँ यूट्यूब में मिशन शिखर भी है। शिखर हाँ हाँ हाँ, ये सब्सक्राइब कर लीजिए तो आप शिखर। हाँ हाँ, ये देखिए दोस्तों, ये बिल्कुल हटके हैं ये शायद। ये अपने मैंने कौन सा ब्रीड है ये? एग्जॉटिक शॉर्ट हेयर में इनको दिया है। वैसे तो अलग अलग नाम से जाने जाते हैं, कैसे बॉम्बे कैट के नाम से। अच्छा अच्छा अच्छा, ब्रिटिश शॉर्ट हेयर भी कहलाते हैं, अमेरिकन शॉर्ट हेयर। शॉर्ट हेयर होते हैं, बहुत कम बाल होते हैं इनके, बहुत शाइन करते हैं। अच्छा अच्छा, और अभी भोपाल में तो शायद नहीं है, और अभी ये विनर भी रहे हैं और बेस्ट ऑफ ब्रीड का भी अभी इनको रहना था। अच्छा ये जीत। हाँ हाँ, तो यहाँ पे क्या है ये? सफेद सफेद सा वो उसका सही है, यहाँ पर बाल नहीं होते इसके। अच्छा दिखाई, खोलिए। बाल नहीं होते यहाँ पर, कम होते हैं बाल, यहाँ पर बाल कम होते हैं इनके। अच्छा अच्छा अच्छा, ये जो साइड होता है ना, यहाँ पर बाल कम होते हैं, बाकी बिल्कुल स्मूथ चिकना इनका फर होता है, बहुत कम झड़ता है। इनको मेंटेनेंस की भी जरूरत नहीं पड़ती। कौन सा कैट है ये? अभी इन्होंने एग्जॉटिक शॉर्ट हेयर में कैटेगरी में रखा है, बॉम्बे कैट कहलाता है। अच्छा,
दोस्तों ये देखिए अलग है, बिल्कुल ब्लैक है ये। ठीक है, आप फीमेल है क्या मेल है? मेल है। मेल, अच्छा अच्छा। कितने साल का है? 3 साल के हो गए हैं। 3 साल के, ये शायद मेरे पास ये पूरे एग्जीबिशन में एक ही है ये। ठीक है, अभी तो बिल्कुल घर में भी ऐसा रहता है क्योंकि पूरा अभी इसे एडमॉस्फेयर को देखते हैं, घर में घूमता है, खेलता है। 4 बच्चे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा लगा। 4 बच्चे भी हैं इनके, 4 बच्चे भी हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है ठीक है मैडम जी, बहुत अच्छा लगा। अभी कितने राउंड और निकलना है इसमें? 2 हो गए, 1 लास्ट। ये लास्ट राउंड है। एक मेरा इसका जो कैट्स है 76 79 हार गया है। देखिए दोस्तों, सब अधिकतर अमूमन ऐसे कैट्स रहते नहीं है, लेकिन सब एटमॉस्फेयर के हिसाब से आज बिल्कुल थके हुए हैं ये सब, तो आराम फरमा रहे हैं। 73 72 74 77 76 ये आराम कर रही हैं। बुरी सब आराम कर रहे हैं अपने अपने, तो सब आराम कर रहे हैं। एग्जीबिटर नंबर 66 69 68, लेकिन ये जो 71 बच्चे हैं ये भी आराम बिल्कुल नहीं कर रही है, ये उदाम कर रहे हैं। यहाँ पे यहाँ पे कौन जल्दी हो रहा है? 79 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 हो गया सर आपका इसका? बहुत अच्छा, एक मिनट वो चाहिए। कौन सा सर बताइए इसके बारे में, कौन सा नस्ल है आपका, ये कौन सा ब्रीड है तो बताइए? एग्जॉटिक शॉर्ट है। कितने साल का ये? कितने साल का ये? 9 साल का। दोस्तों अभी अभी आके देखिए दोस्तों, कौन से राउंड से निकला है अभी? एग्जॉटिक शॉट है सर आपका? दोनों एक ही है। अच्छा, ये थोड़ा दिखाइए अपने, रुकिए रुकिए, ये एग्जीबिटर नंबर 83 84 85 86 87। अभी इसके बारे में, आपके बारे में, दोनों बिल्ली के बारे में प्लीज माइक लीजिए। अरे वो ऊपर ही आई। कौन कौन सा नस्ल है आपके? ये दोनों पर्शियन कैट्स जी। ये मेल है, इनका नाम मैक्स है, जो बोर्ड में है ये मोहिता है। अभी ये फीमेल कैटेन के अंदर फर्स्ट प्राइज मिला है इनको। अच्छा, फर्स्ट टाइम है किसको? किसी को फर्स्ट राउंड में ये फर्स्ट प्राइज जीते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। और ये वाला? ये अभी सेकेंड राउंड में जज किया जाएगा। हाँ हाँ हाँ, ये देखिए दोस्तों बहुत प्यारा सा ये देखिए। हाँ, बहुत अच्छा है। अब अभी अभी और कितने राउंड जाना है आपको? अभी लास्ट राउंड होगा, सेकंड राउंड होगा, अब लास्ट राउंड। अच्छा अच्छा, उसके बाद सेकंड राउंड का रिजल्ट नहीं आया। अच्छा, सेकंड राउंड। ये देखिए दोस्तों, डॉक्टर मुंबर सिद्दीकी पैर व्यायाम की डॉक्टर मुंबर सिद्दीकी पैर व्यायाम। मेरे ख्याल से पूरे शो के सबसे बेस्ट
लुकाफे है ये देखिए दोस्तों, उनके दो दो बिल्लियां एक कंधे पे और एक उसमें, और उनको कितना देख सकते हैं। मैक्स 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 मुझे नहीं, हाँ हाँ अभी नहीं। तो ये देखिए हर गैस को यहाँ पे दिखा जा रहा है, यहाँ पे उसका ऑपरेशन किया जा रहा है दोस्तों। ये देखिए नाक कान बिल्ली ऐसे तंदुरुस्त है कि नहीं, उसका सब सबको देखा जा रहा है दोस्तों। व्यवहार चचा का चेहरा तो दिखा दो। हाँ चेहरा तुमको देखना है व्यवहार चचा का। अच्छा अच्छा चचा का नाम ऐसे ही लेगा ना। अच्छा अच्छा जुल्फिकार ये जज है सिंगापुर से, जुल्फिकार बिन दाऊद। ये जो जजमेंट जज है मिस्टर जुल्फिकार बिन दाऊद सिंगापुर से बिलोंग करते हैं। लेकिन यहाँ पे रिंग थर्ड में मिस्टर साकी पठान इंडिया ये जज। रिंग सेकंड में मिस्टर शेन अब्दुल मलेशिया से जो जज है ये। देखिए साथी पठान इंडिया से देखिए कैट्स को Thank you.
हर एंगल से उसको जांच की जाते हैं कान के सब जगह पे उनको उसी अफसर उनको मार्क नंबर दिए जाते हैं। ये दोस्तों ये चीज पर्सन का लगभग इतने सारे बताएंगे बताएंगे हाँ हाँ बस दोस्तों कैसे जांच किस तरह का जज जो उसको जजमेंट कर रहे हैं जुल्फिकर बिन दाऊद जो सिंगापुर से बिलोंग करते हैं दोस्तों, ये देखिए जो जज है कैसे जजमेंट कर रहे हैं आप बाहर की सजाच उसको जजमेंट किया जा रहा है ये जो कह रहा है इस मैडम का है जो हमने पहले इंटरव्यू ले चुके हैं उनका क्लासिक लॉन्ग हेयर है ट्रिपल कट क्वालिटी और सेमी पंच फेस में है ये। अच्छा, ये जो ब्रीड होती है ये थोड़ा लॉन्ग ही होती है। अभी ये 7 मंथ्स का किटन है। इसका हाइट कितनी है? 7 मंथ में तो काफी बड़ा है ये। मिनिमम 1 फीट इसकी हाइट। 7 मंथ का कहाँ का है इसको? कहा ये क्या विदेशी है? क्या पर्शियन है? अच्छा अच्छा बहुत अच्छा है।
तो दोस्तों आप लोगों को ये कैट्सो अच्छी लगी हो तो मिशन शिकार चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।